कपालिका की फैलाई हुई महामारी के पीछे किसका हाथ हो सकता है? भद्रकाल का। भद्रकाल जीवित है और ये सब उसी का किया धरा है। भद्रकाल? किंतु ये कैसे संभव है? बेताल, तुमने तो नरक में भद्रकाल की आत्मा को देखा था, वो क्या था? हमें संदेह था कि हमें भ्रमित करने के लिए माया जाल बना गया है, किंतु अब यह भी पता चल गया है कि उस माया जाल का कारीगर कौन था। बेताल, ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। मैं तुझसे आयु में बड़ा हूं, मुझे ज्ञात है क्या उचित नहीं है। तो 32 पुतलियां जिन्हें खंडित करके तूने मेरे प्राण बचाए थे, उन्हीं पुतलियों ने भद्रकाल को जीवित किया। सूर्यास्त से पूर्व तुझे तेरी उज्जैनी पहुंचने नहीं देगी ये महामाया। ये हो सकता है बेताल, क्योंकि जिस प्रचंड और सबसे भयानक पुतली ने हमारा मार्ग रोका था, वो स्वयं को महामाया के नाम से संबोधित कर रही थी। कदाचित महामाया ही उन पुतलियों की महारानी है जो किसी कारणवश भद्रकाल से जा मिली है। एक और चिंता का विषय है विक्रम, क्योंकि पुतलियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। जब ऐसी दो बुरी शक्तियां आपस में मिल जाएं, तो संसार में कहीं भी प्रलय ला सकती हैं। भद्रकाल एक एक कर ही उन पुतलियों को हम पर आक्रमण करने के लिए भेजेगा, और हमें ज्ञात भी नहीं होगा कि कौन सी पुतली किस रूप में किस मार्ग से हम पर आक्रमण कर रही है। हमें अत्यंत सावधान रहना होगा, तनिक भी चूक हुई तो प्राण जा सकते हैं। पराजय के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जीत का चेहरा देखने के लिए तरस गया हूं। मेरी सारी योजनाएं सफल क्यों नहीं हो रही हैं? कौन है तुच्छ, कौन महान, समय समय का है ये खेला। तुम तो अपने हाथ मलो, क्योंकि बेताल तो उड़ चला। अब समय आ गया है हार जीत के इस चक्र को उल्टा घुमाने का। हाँ, अरे जागो, जागो कालिका। कब तक इन शवों के पीछे छुपकर सोती रहोगी? अरे उठो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। कोई नहीं जगा पाएगा उन पुतलियों को हमारे रहते। शांत राजन, शांत। भद्रकाल को जिन पुतलियों का साथ है, उन्हें मारना इतना सरल नहीं है। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि उन्हें मारना इस समस्या का समाधान नहीं है। हमें उनका उद्धार करना होगा, और प्रकृति की यही मांग है कि इस समय धैर्य रखा जाए। कब तक आचार्य, कब तक धैर्य रखना होगा हमें? जब तक भद्रकाल किसी पुतली को भेजकर पुनः हमारी प्रजा को पीड़ित न कर दे। कौन जाने है? वो किस रूप में हमारे साथ ही रह रही हो और हमें पता भी ना चले। अरे
अरे चाहे जितना भी छुपती रहो, किंतु भद्रकाल को तो पता चल ही जाएगा। इन शवों के साथ सोते सोते कहीं तुम्हारी इंद्रियां भी मृत तो नहीं हो गई? बाहर आओ कालिके। है तो ऐसे नहीं होता। ओम भ्रम तम तमातम भगोराय भगोराय चामुंडाय विच्चे। किसकी मृत्यु आई है? मेरी? नहीं, मैंने मृत्यु तो विक्रम बेताल की आई है। मैंने तो माया के आदेश पे जगाया। महामाया? हाँ, महामाया। मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। तू मुझे बचाएगा? मत भूलो कालिका, तुम एक श्रापित पुतली हो और तुम्हारा श्राप दूर करने का मार्ग केवल मैं जानता हूं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ चलो। क्यों करें हम तेरा विश्वास? तू है कौन? मैं तुम्हारी नैया पार कराने वाला, तुम्हारा तारणहार भद्रकाल। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे साथ चलो। प्रचंड काल सह जोगिनी, हमारे कहने पर ही भद्रकाल ने तुम्हें जगाया है, इसलिए वह जैसा कहता है वैसा करो, तभी वह हमारी सहायता करेगा, अन्यथा नहीं। अब आओ आओ। विक्रम, इस समय सबसे अधिक आवश्यक है कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। कैसे प्रश्न बेताल? हम पुतलियों को कैसे ढूंढेगा? सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि वे पुतलियां किस किस जगह पर हैं। और जब तक वो पुतलियां मिल नहीं जाती, हमें अत्यधिक सावधान रहना होगा ताकि उन पुतलियों के प्रकोप से उज्जैनी को सुरक्षित रखा जा सके। हाँ महाराज, हमें पूरे क्षेत्र में दृष्टि रखनी होगी, कहीं भी कुछ संदिग्ध दिखे तो हमें तुरंत सूचना मिलनी चाहिए। उचित है, हमें नगर की सीमा की सुरक्षा बढ़ानी होगी और ध्यान रखना होगा कि कोई भी अपरिचित बिना अनुमति नगर के भीतर ना सके। तब तक उन पुतलियों को ढूंढकर हम उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वाह, सबको अपना अपना कार्य समझ में आ चुका है, तो मैं भी अपना कार्य करने जाता हूं। तुम्हारा कैसा कार्य बेताल? निद्रा। तुम जैसे निशाचर को निद्रा की आवश्यकता कब से पड़ गई बेताल? कभी नहीं चाहता कि मुझे श्राप मिले। अरे प्रेत हूं तो क्या, मुझे थकान नहीं होती? शुभ रात्रि। आप चिंतित ना हो महाराज, जब तक आप उन पुतलियों का हल नहीं ढूंढ लेते तब तक हम नगर की ठोस सुरक्षा का प्रबंध करते हैं।
संभ बेताल की मृत्यु ही है हमारी मुक्ति का उपाय। कालिका के हाथों विक्रम बेताल को मरना ही होगा। क्या हुआ, आप इतनी चिंतित इतनी व्याकुल क्यों हैं? महाराज, महाराज ये हो क्या रहा है? वो मायावी स्त्री कौन थी और आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमारे उज्जैनी में एक के बाद एक संकट क्यों आते जा रहे हैं महाराज? महाराज, हमें ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है जैसे आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? महारानी, जब तक हम आपके साथ हैं आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये यूं समझ लीजिए, हमने अपने लिए जो जीवन चुना है उसमें भय के लिए कोई स्थान नहीं, और आप हमारी धर्मपत्नी हैं इसलिए आपके जीवन में भी नहीं। महारानी, हम राजा रानी हैं, यदि हम इस प्रकार भयभीत हो जाएंगे तो प्रजा का तो मनोबल ही टूट जाएगा। महाराज, महाराज आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, हमें ज्ञात है, परंतु परिस्थितियां देख रहे हैं, हम भयभीत कैसे ना हो, हम चिंतित कैसे ना हो? महाराज, महाराज कृपया हमें स्पष्ट भाषा में कहिए कि क्या हुआ था, क्या बात है? विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी हीराजन। 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? हो गया और आप हमें? महाराज, महाराज, महाराज वो कौन है? महारानी को बेताल दिख रहा है कैसे? महाराज जी, आप देख रहे हैं? विचित्र जी, महाराज इसको भगाइए। महाराज, महारानी को बेताल है। बेताल कैसे संभव है? महाराज उनको तो सदगति मिल गई थी, आपने हमसे कहा था विचित्र जी से महाराज भगाइए। महारानी वो प्रेतात्मा है, भला प्रेत है, मित्र है हमारा। आपसे प्रेत की मित्रता है? ये इसका अर्थ ये है कि वो पिशाचिनी आपकी महिला मित्र थी? महारानी, पिशाचिनी हमारी महिला मित्र नहीं थी, बेताल। नमस्ते बहू, मैं आपका जेठ बेताल प्रेत। विक्रम, हमने सोचा बहू से क्या छुपना छुपाना। मैंने सोचा अपना सुंदर मुखड़ा दिखाने का यही उचित समय है। तुम्हारा समय ज्ञान अत्यंत अचूक है बेताल। महारानी, ये बेताल पिछले कुछ समय से हमारे ही महल में रह रहा है। विक्रम देख, बहू मेरे सुंदर मुखड़े को देखते ही कैसे मुग्ध हो गई। इसका अर्थ यह है हमें जो भ्रम हो रहे थे वो इन्हीं के कारण हो रहे थे।
महारानी, बेताल ने अपने प्राणों पर खेलकर आपके जीवन की रक्षा की है और आप इससे भयभीत हो रही हैं? वो भला प्रेत है, हमारा मित्र है। ये सत्य है? सत्य है महारानी। धन्यवाद बेताल जी। अरे धन्यवाद कैसा बहू? जिस दिन से हमने आपके हाथ का बना हुआ मीठा खाया है, आपकी सुरक्षा तो उसी दिन से मेरा परम कर्तव्य हो गया था। हमारे हाथों? महारानी, वो उस दिन लड्डू हलवा अदृश्य हो रहे थे। वो लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? महाराज हलवा ये कैसे अदृश्य हो गए? सब बेताल ने खाया था। मुझे मीठा खाना बहुत प्रिय है। आप जब भी आदेश करेंगी मैं मीठा खाने के लिए तत्पर रहूंगा। महाराज वो लड्डू वो हलवा और हम समझ रहे थे कि अदृश्य हो रहे थे। महारानी, दुर्ग की दीवारें सशक्त होंगी तभी दुर्ग अभेद्य होगा। महल के भीतर इसी प्रकार मित्रतापूर्ण एवं प्रसन्नता का वातावरण होगा तभी हम बाहर के शत्रुओं का सामना कर सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम सब एक साथ मिलकर रहें, जिससे आने वाली लड़ाइयां एक साथ लड़ सके। अवश्य महाराज। नगर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींच लिया है जिसे कोई भी अवांछित प्राणी पार नहीं कर सकता। ये सुरक्षा चक्र सात्विक है और वो पुतलियां तामसिक, अतः इस चक्र को तोड़कर नगर के अंदर प्रवेश करना असंभव है। अंततः विक्रम दुचैन की सांस ले सकता है। तो जा इस अवसर का लाभ उठा। वो गीत वीत गा। ओ गीत से याद आया, तो संगीत प्रेमी है, सुना है, गा बजा भी लेता है। लोरी मुझे भी सुना देना, बहुत दिनों से सोया नहीं ठीक से। अब यही काम शेष रह गया हमारे पास बेटा। हाँ तो क्या हुआ? अरे इतने दिनों बाद महल तनाव मुक्त हुआ है, छोटा मोटा उत्सव तो होना ही चाहिए है? अच्छा, यदि बहू कह देती स्वामी क्या आप मेरे लिए गीत नहीं गा सकते तो इसी क्षण गाना शुरू कर देता, किंतु मेरे लिए नहीं। जा देखी तेरी मित्रता, देख लिया तेरा प्रेम, नहीं चाहिए ऐसा मित्र, नहीं चाहिए ऐसा। पता नहीं क्यों तुम्हें ना नहीं कह पाते। इस समय हम तुम्हें लोरी गाकर सुला तो नहीं पाएंगे, किंतु कल तुम हमारे संगीत से जागोगे। तुम्हारे दिन का आरंभ राग भैरव, भोर का राग राग भैरव से होगा।
कल प्रातः इस सुरक्षा कवच के साथ साथ विक्रम और बेताल को भी ध्वस्त कर दूंगी मैं।